हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी सेट्टी अपने चैनल इजी टेस्टी फूड में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जब खाना बनाने का टाइम हो जाए, घर पर कोई सब्जी ना रखी हो, तो घर में पापड़ रखे हो, तो आप पापड़ से ही एक स्वादिष्ट सब्जी बना सकते हैं। यह एक राजस्थानी डिश है। आज मैं आपको पापड़ से ही एक स्वादिष्ट सब्जी बनानी सिखाऊंगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पापड़ की सब्जी। पापड़ की सब्जी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 3 से 4 पापड़, मेरे छोटे साइज के, इसलिए मैं 4 ले रही हूँ। बड़े हो तो आप 2 भी ले सकते हैं। 2 छोटे प्याज बारीक कटे हुए, 2 बारीक कटे हुए टमाटर, आप इसे मोटे मोटे पीस भी सकते हैं। 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया, 1 चुटकी ही, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा जीरा। देखिए मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा लिया है, अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। 1 से 2 पाउच सॉस के, चाहे तो ना डालें, रंग अच्छे, इससे रंग कल अच्छा आता है। थोड़ा सा, आधा चम्मच बेसन, 5-6 दाने चीनी के, थोड़ी सी लहसुन अदरक की पेस्ट। बनाने के लिए रिफाइंड तेल भी ले सकते हैं आप। गार्निश के लिए टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और नींबू। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। फ्राई पैन या कढ़ाई, जिसमें भी आपको बनानी है, 2-3 चम्मच, 2 से 2.5 चम्मच रिफाइंड ऑयल लेंगे। उसमें 1 चुटकी हींग और जीरा डाल देंगे। जब जीरा चटकने लगे, तब आप एक साइड में प्याज, इधर एक साइड जीरा चटक रहा है, दूसरी साइड प्याज डाल दी है मैंने, और लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी है। जब प्याज गोल्डन ब्राउन होने लगे, तो आप टमाटर डाल दीजिए। जैसे कि मैंने बताया था, आप टमाटर को पीस भी सकते हैं, थोड़ा जरजरा। और हम थोड़े मसाले थोड़े थोड़े लिए थे, देखिए, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, 1 छोटा चम्मच नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, चाहे तो गरम मसाला बाद में भी डाल सकते हैं, मैं पहले ही डाल रही हूँ। इन सबको फ्राई करेंगे। 2-4 दाने चीनी के इसलिए डालती हूँ, गले में सब्जी नहीं लगती। अगर आप चीनी को अवॉइड करना चाहें, तो थोड़ी सी मलाई भी डाल सकते हैं। इस तरीके से कभी भी सब्जी गले में ही नहीं लगती, जैसे खाते खाते खांसी आ जाती है, वो नहीं होता। अब 5 से 6 मिनट तक हम प्याजों को भूनेंगे। देखिए 4-5 मिनट में हमारे प्याज के साथ टमाटर होने लगे हैं। अब हम आधा चम्मच जो बेसन लिया था वो कर देंगे, जिससे करी थोड़ी क्रिस्पी बने, अच्छी लगे स्वाद में। अभी हमारे 1 मिनट में ये हो जाएंगे। हमने 3 से 4 मीडियम आंच पर टमाटर को भूना है। अगर आपको लगे रिफाइंड डालना है या कुछ डालना है, नॉन स्टिक में नहीं लग रहा है, तो आप 2-3 चम्मच पानी या रिफाइंड, थोड़ा सा 2-3 बूंदे डाल सकते हैं। जब हमारे टमाटर भून जाएं, तो हम ये 2 छोटे वाले पाउच इसमें डाल दें, चाहे तो आप 1 भी डाल सकते हैं और एक और भी कर सकते हैं, पर इससे अच्छा कलर आ जाता है और स्वाद भी अच्छा आता है। सॉस के थोड़ी सी देर बाद ही, 1-2 सेकंड बाद ही पानी डाल दें। अब जैसे ही पानी बॉयल हो रहा है, तब तक मैं दूसरी गैस के फ्लेम पर पापड़ भून रही हूँ। अब हम 3-4 जो मैंने पापड़ लिए थे वो भून लेंगे। आपके बड़े हैं तो मैंने कहा था आप कम भी ले सकते हैं। देखिए अच्छे से उबाल आ चुका है और हमारे ये पापड़ भी भून चुके हैं। अब हम पापड़ को इस तरीके से छोटे बड़े जैसे भी आपको पीसेज करने हैं कर डाल सकते हैं, जिस तरीके से भी आपको करने हैं। ये देखिए, हरी मिर्च आप पहले भी डाल सकते हैं, मैं कच्ची कच्ची डाल रही हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी हरी मिर्च डाल दी है। अब इन सबको बस 1 मिनट तक पापड़ के बाद गैस जलाएंगे, क्योंकि हमारे पापड़ भुने हुए थे।
अगर आप चाहें तो कच्चे पापड़ भी डाल सकते हैं, फिर दो तीन मिनट चलानी पड़ेगी। बस हमारी ये तैयार है पापड़ की सब्जी। अब हम गैस बंद कर देंगे। मैंने गार्निशिंग के लिए दो हरी मिर्च लंबी काट कर प्याज लेमन और टमाटर को सजाया है। आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। अगर आप चाहें तो तरी ज्यादा भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।